में होती रहूं, कभी भूलू ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत सपन में सोती रहूं। जय तारे को सुंदर लालई बनवर जर दे किनारी, झालरदार बनो पटका, या में मोती निकी छवि लागती प्यारी। जैसी उचाल चले ब्रजराज, अहो बलिहारी ये मौज तिहारी, देखत नैना ताक रहे, झुक झाकी जरूरता में बाके बिहारी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन सब जीव दुखारी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो thank you.
भाई thank you.
आचार्य शिखामणि। माहेश्वर तंत्र में जो गोपाल सहस्त्र नाम आता है उसका एक श्लोक है कि चोर जार शिखामणि, चोरों के सरदार हैं। और एक चौराष्टक है गौड़िया आचार्यों का, उसमें लिखा है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्र गणनम पुरुषम नमामि। कि ब्रज में रहता हूँ, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, जो ताजा मक्खन निकलता है उसको मैं चोराता हूँ, गोपांगना च दुकूल चोरम, कलम चीर घाट है चलने का, बोले गोपियों के दुकूल वस्त्रों का भी हरण करता हूँ। बोले और श्याम सुंदर क्या क्या हरण करते हैं? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हमारे अनंता अनंत जन्मों का एक बार जब हम कृष्ण नाम स्मरण करते हैं तो उन पापों का हरण भी करते हैं। बोले ऐसे चोरों के सरदार चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे हमारे चोरों के सरदार श्री नंद नंदन को बारम्बार नमन है, नमस्कार है। यहाँ से अब हम सभी नंदगाम के लिए प्रस्थान करेंगे और नंद भवन में सभी दर्शन करेंगे। यशोदा मैया
ये कन्हैया जी हैं, बलराम जी हैं। छोटे बेटा पे माँ का प्यार है और बड़े लाला पे बाबा को प्यार है। इधर शहर में श्री राधा रानी का दर्शन है, क्योंकि नंदगांव में यह राधा रानी की ससुराल है, तो इसलिए कोने से विराजमान है मर्यादा करके। और इधर शहर में हमारे कन्हैया जी के गाय चराने वाले सखा हैं, धनसुखा और दूसरी का नाम है मनसुखा। धनसुखा वो है जो भक्तों को धन की प्राप्ति कराने वाले हैं और मनसुखा वो है जो भक्तों को मन को शांति देने वाले हैं। नंद बाबा के पूरे परिवार का दर्शन है। ब्रज चौरासी कोश में चार गांव निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगांव और जमुना पार करके कन्हैया जी को पहुंचा गए थे गोकुल। तब गोकुल में कंस के राक्षस लोग सताने लगे अघासुर बघासुर पीतना, तो नंद बाबा ने भय के कारण गोकुल को छोड़ दिया। ये पर्वत पे आके गांव बसाए नंदगांव। यहाँ पे आके नंद बाबा ने अपने लाला कन्हैया की जन्म खुशी मनाई, जो कि यहाँ जन्माष्टमी के दिन बड़े धूमधाम से मनाई जाती है कि नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की और ज्वान को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की और सभी भक्तों बोलो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के पास उस समय यह सोना चांदी पैसा धन दसों में क्या था, 9 लाख गाय धन था, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन करा के कन्हैया जी के हाथ से ब्राह्मणों को दान में दिए। कृपा होती है तो आज भी नंदगांव में यहाँ बड़े धर्मात्मा लोग आते, मारवाड़ी अग्रवाल लोग आज भी नंदगांव में आके पूरे गौ दान करते हैं ब्राह्मण के लिए और संत ब्राह्मणों को भोजन भंडारा भी कराते हैं।
लीला है वो पास्ट टेंस की नहीं है, वो हुई थी नहीं है, वो हो रही है। ठाकुर जी की लीलाओं में पास्ट टेंस यूज नहीं करते हैं। ठाकुर जी नित्य हैं और ठाकुर जी की लीलाएं नित्य हैं। तो यहाँ कदम के वृक्ष पर श्याम सुंदर चढ़ के और अपनी गायों को बुलाते हैं। तो सूरदास जी का हमारी रसकों की वाणियों में बहुत से पद है, लावनी के कहा जाता है, ठाकुर जी वापस बुलाते हैं तो कहते हैं कि कदम चढ़ कान बुलावत गैया और कारी कामर धौरी धूमर घर को बगदैया। बगदैया मतलब वापस। तो यहाँ सांकेतिक रूप में गाय बनाई हुई है, उन पर नाम भी कारी कामर धौरी ऐसे नाम आप देखेंगे। 8 गायें यहाँ बनाई हुई हैं। ये ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली पर आप हैं। महाराज जी का जो आदेश हुआ कि आज स्थली विशेषों के हमें दर्शन करने हैं।
जिनको पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया है। मुंगेर से बड़ी कृपा पूर्वक जो हमारे मध्य में पधारे हैं, आज परिक्रमा के बाद भी उनको जाना है, मुंगेर के लिए प्रस्थान करना है। तो हम लोगों की प्रार्थना है कि हम सभी के लिए, जितने लोगों ने परिक्रमा किया है, और हम संतों के लिए महाराज जी आशीर्वचन दें। और महाराज जी को कैसा यहाँ अनुभव हुआ, हम लोग तो यहाँ के सब ग्वाल बाल हैं, थोड़ा उपद्रव भी किए, हंसी विनोद भी किए। महाराज जी के आश्रम में आप जाएंगे तो बहुत अनुशासन। सबके लिए यह एक प्रेम की यात्रा है और इस प्रेम की यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति भी हम सबको हो रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमें तो भाई दो दिन पहले 3 अनुभूतियां हुई हैं और दो अनुभूतियां प्रत्यक्ष और एक अनुभूति रात्रि को हुई, पर एक स्वप्न आदेश था तो हमें अब पूरा करना है और जिसकी चर्चा तो मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि यह तो एक आदेश है, इसका पालन पहले करना होगा। लेकिन हमने स्वामी गोरखनाथ जी को बतलाया था इस स्वप्न के बारे में और उनके साथ इस आदेश को पूर्ण करने के लिए हम लोग शिवरात्रि के बाद प्रस्थान करेंगे। लेकिन यह एक अद्वितीय अनुभव रहा है श्री स्वामी कृष्ण जी के कृपा से। हमें भी यहाँ अवसर नहीं कहते कि 84 कोस की यात्रा हो रही है आसानी, तो शायद हमारे लिए भी यह संभव नहीं होता। और यहाँ आकर के जो हम श्रद्धा और भक्ति श्री शरणम के सदस्यों में देख रहे हैं, जो तत्परता और मछली पानी में पानी का अपनी पानी से बाहर निकलती है तब उसको मालूम पड़ता है कि पानी का
माध्यम से वेदांत की निष्ठा तक सभी लोग पहुंचे। जो मुख्य सूत्र पूज्य स्वामी जी ने दिया बहुत ही सुंदर सारगर्भित और अमूल्य सूत्र है ये, और यही जीवन का लक्ष्य है। और वास्तव में जितने लोग भी इसमें कार्य में सेवा कार्य में है बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे खेतान जी जिनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, हमारे श्री शरणम के सभी सदस्य जो कि हर तरह से लगभग एक वर्ष पूर्व से इसकी योजना चल रही थी और एक एक काम बहुत व्यवस्थित ढंग से।
मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोल गुरु जी महाराज की जय।
Thank you.
Thank you.